आ रहा हूँ फिर से एक बार, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त राजकुमार चौहान। अपनी प्यार भरी वोटें देकर मुझे फिर से जिताइए। जिसने गरीबों के दुख दर्द को समझा, हर किसी को हक और इंसाफ दिलाया, संघर्ष से कभी जो पीछे नहीं हटा, वही विकास पुरुष कहलाया। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को कोई वादा नहीं करना चाहता और ना ही मैंने पिछले 3 इलेक्शन में कोई वादे किए हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों को मैं ये विश्वास जरूर देना चाहूँगा कि जिस तरह पहले भी आपने 3 बार मुझ में अपना विश्वास व्यक्त किया और आप मुझे जिताकर 4थी बार हमें विधानसभा के अंदर भेजेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह मंगोलपुरी क्षेत्र का दिल्ली के अंदर हमने नाम किया, हमने सब ने दिल्ली के जो हमारे मंगोलपुरी के निवासी हैं और मैंने मिलजुल कर जो विकास कार्य किए हैं, आज दिल्ली में जो मान सम्मान हमारे मंगोलपुरी का है उसी शान को बढ़ाते हुए इस मंगोलपुरी क्षेत्र के और रोहिणी के और गाँव का विकास कार्य मैं करता रहूँगा। जनसाधारण की उम्मीद, गरीबों के मसीहा, सर्वधर्म समाज के सच्चे हितैषी और हर दिल अजीज विधायक राजकुमार चौहान के सतत संघर्ष, समाज सेवा के जज्बे और संकल्प ने ही उन्हें बनाया है दिल्ली का विकास पुरुष। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जन सेवा का मार्ग चुना और दिल्ली तथा अपने क्षेत्र के विकास की दिशा में एक नए युग का सूत्रपात किया। आम जनता के लिए उनके प्रेम, संघर्ष और सेवा भाव के कारण ही उन्हें मौजूदा कांग्रेस सरकार द्वारा विकास, लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण का मंत्री बनाया गया और उन्होंने तन, मन और धन से न केवल अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया बल्कि दिल्ली के विकास में भी उल्लेखनीय और अविस्मरणीय योगदान दिया। यदि परिस्थितियों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि राजकुमार चौहान जी गरीबों और जरूरतमंदों के दुख को करीब से समझते हैं और उन्हें दूर करते हैं। यही वजह है कि आप एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बार लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते और अपने जीत की हैट्रिक बनाई। ये आप जनता का विश्वास और सहयोग का ही नतीजा है कि हर बार चुनाव में जीत का अंतर लगातार बढ़ता गया। आपके व्यक्तित्व, सेवा भाव और प्रतिभा को पहचान कर ही दिल्ली सरकार ने आपको संपूर्ण दिल्ली के विकास की जिम्मेदारी देते हुए शिक्षा, समाज कल्याण, SC/ST और टेक्निकल एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिए। नई जिम्मेदारियां मिलने पर भी श्री राजकुमार चौहान ने मंगोलपुरी का विकास बिल्कुल बाधित नहीं होने दिया बल्कि दिल्ली के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र मंगोलपुरी में भी विकास कार्यों की गति को तीव्र कर दिया। इसमें आपको कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का आशीर्वाद एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का भरपूर सहयोग मिला। इसी पंचवर्षीय योजना में उन्हें बाद में शहरी विकास और लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज लगभग 35 करोड़ की लागत से इस समय 542 कमरे सभी दिल्ली सरकार के स्कूलों में विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ा हमारा संजय गांधी हॉस्पिटल हम लोगों ने बनवाया। किसी वक्त यहाँ पर सिर्फ OPD चलते थे, संजय गांधी जी के नाम से ये हॉस्पिटल आज 250 बेड का हमने बनाकर तैयार कर दिया। पूरी मशीनरी के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर लगभग 1 अरब रुपया इसके ऊपर खर्च हुआ। वहीं मेरी पूरी कोशिश है कि इस हॉस्पिटल को जो पुराने बिल्डिंग्स हैं उनको तुड़वा कर आगे समय के अंदर इसको 500 बेड का हॉस्पिटल बनवाया जाए। हमारे यहाँ मंगोलपुरी में ख़ास तौर पर और जो हमारे बिहार के रहने वाले, UP के रहने वाले जो छठ मैया का पूजन पर्व मनाते हैं उनके लिए विशेष हम लोगों ने बंदोबस्त हमारे मंगोलपुरी में किए हैं। इससे पहले भी वाल्मीकि वाटिका हम लोगों ने बनवाई, अग्रसेन वाटिका हम लोगों ने बनवाई, अम्बेडकर जी की मूर्ति B ब्लॉक पे मंगोलपुरी के एंट्रेंस पर लगवाई और यहाँ तक कि संत दुर्बलनाथ वाटिका भी हम लोगों ने बनाई। इसके अलावा भी जो जो ज़रूरत निवासियों को होती है, जो उनकी मांग होती है,
उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। और आज मैं कह सकता हूँ कि ये 5 करोड़ की लागत से छठ घाट बनाया जा रहा है। इसमें 3 करोड़ की लागत से तो एक फाउंटेन बन रहा है, उस फाउंटेन का काम होगा जिसमें लाइटिंग अगर आप देखें तो 377 तरह की लाइट्स इसमें रखी जाएंगी। और जब ये फाउंटेन चलेगा उस फाउंटेन की बौछारों के ऊपर लेज़र किरणों से हम कोई भी फिल्म देख सकते हैं। छठ मैया की फिल्म अगर पर्व है छठ मैया का तो वो देख सकते हैं, लोकगीत देख सकते हैं, देशभक्ति गीत या देशभक्ति फिल्में इस फाउंटेन के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ आज ये कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह का छठ घाट नहीं होगा, और यहाँ तक कि जो फाउंटेन की व्यवस्था की गई है वो भी कहीं पूरे हिंदुस्तान में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और मैंने ये फाउंटेन जब मैं अमेरिका गया था तो वहाँ लॉस एंजलिस के अंदर जो डिज्नीलैंड है उसमें मैंने ये फाउंटेन देखा था, जिसको मैं यहाँ अपने मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र जो कि एक रिसेटलमेंट कॉलोनी है उसमें मैंने ये तैयार किया है। और अभी इसमें हालांकि 2-3 महीने और लगेंगे, लेकिन जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा, छठ मैया का आयोजन तो होगा लेकिन साथ ही साथ मैं समझ सकता हूँ कि ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप को भी लेगा। अपने इस अल्प कार्यकाल में ही आपने क्षेत्र और दिल्ली में बहुत से ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विकास और जन कल्याण के कार्य किए, जिनमें महत्वपूर्ण है 30 करोड़ की लागत से मंगोलपुरी फ्लाईओवर का निर्माण, 1 अरब 70 लाख की लागत से बने 7 मंजिला संजय गांधी हॉस्पिटल का निर्माण, राजकीय वरिष्ठ विद्यालयों में 35 करोड़ की लागत से 542 SPS कमरों का निर्माण, 12 स्कूलों का निर्माण। आपके कार्यकाल में 10वीं का रिजल्ट 95% और 12वीं का रिजल्ट 96% पहुंचा। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों के लिए ITI कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, 1 अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स स्विमिंग पूल का निर्माण, राजीव रत्न योजना के तहत 4 लाख फ्लैट गरीबों को आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, लाडली योजना के तहत क्षेत्र के गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान करवाया गया, 1439 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को रेगुलराइज करवाया जिसके प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स माननीय सोनिया गांधी द्वारा प्रदान किए गए, 6 कम्युनिटी सेंटर का निर्माण जिनमें से 3 निर्माणाधीन, मंगोलपुरी के CQY ब्लॉक्स में 3 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स का निर्माण, मंगोलपुरी बी ब्लॉक चौक बाहरी मुद्रिका रोड पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ, 5 बस्ती विकास केंद्रों का निर्माण, आर ब्लॉक में 1 रैन बसेरे का निर्माण, एल ब्लॉक में 1 स्टेडियम का निर्माण, 62 हाई मास्ट लाइटें लगवाई, गरीब नागरिकों के लिए 7,000 नए BPL कार्ड बनवाए, सभी राशन कार्ड होल्डर्स को हर महीने 10 किलो चावल और 25 किलो गेहूं की व्यवस्था करवाई, पूरे मंगोलपुरी क्षेत्र में सीवर चालू करवाए, 10,000 बुजुर्गों, विधवा महिला और अपंग व्यक्तियों के लिए 1,000 रुपए पेंशन की व्यवस्था, वाई ब्लॉक के पास 44 लाख लीटर वाटर टैंक का निर्माण, पूरे मंगोलपुरी क्षेत्र में कॉन्क्रीट की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करवाया, क्यू ब्लॉक में बस टर्मिनल का निर्माण, सभी MCD स्कूलों में नई बिल्डिंगों का निर्माण, पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए छठ पूजा जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर पूजा के लिए छठ घाट नहीं था, लेकिन राजकुमार चौहान जी ने उनकी जरूरतों को समझते हुए बापू पार्क में म्यूजिकल और लेजर फाउंटेन से सुसज्जित 5 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के पहले छठ घाट का निर्माण करवाया है, जिसे डिज्नीलैंड के फाउंटेन की तर्ज पर बनवाया गया है। ये सभी निर्माण कार्य श्री राजकुमार जी द्वारा करवाए गए, विकास कार्यों की लंबी फेहरिस्त का ये केवल अंश मात्र है। आपने विकास कार्यों के अतिरिक्त बहुत से सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यही कारण है कि मंगोलपुरी की जनता के लिए आप एक प्रेरणा के प्रतीक हैं,
जिनके ऐतिहासिक कार्यों के लिए मंगोलपुरी की जनता उन्हें कभी नहीं भूलेगी और हर कदम पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। मंगोलपुरी और दिल्ली के विकास और सुनहरे भविष्य के लिए आइए हम एक बार फिर से हाथ मिलाकर आगे बढ़ें और राजकुमार चौहान जी को विजयी बनाकर खुशहाली, समृद्धि और विकास को नई ऊंचाइयां दें।